पानामा लीक के हवाले से पार्लियामेंट के मुख्तलिफ अरकान से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है आप मुतफिकी नज़र आ रही हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाजिया मौकफ है और मैं समझता हूँ जिसने भी किसी ने गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन बहरहाल होना चाहिए, क्योंकि ये कौम की ज़रूरत है, लोगों की डिमांड है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लोगों की पगड़ियां नहीं उछालनी चाहिए। ऐसे लगा है जैसे कि क्रिकेट की किस्त होती थी यार, आज वन डे आई सेकंड डे या थर्ड डे है, फर्स्ट डे हो गया अब सेकंड डे शुरू हो गया, फिर थर्ड डे शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि इसको क्रिकेट की वो सीरीज ना बनाए, बल्कि जिसका नाम है तो लिख के पूछ तो लें कि भाई आपका नाम आया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर कोई बंदा 40 साल के बाहर गया हुआ है, वो उसने अपनी एक वहाँ पे दुकान बना ली या बिजनेस बना लिया, घर बना लिया, उसकी आप अखबारों में टीवी में उसको उठा के देना शुरू कर देते हैं विदाउट इस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरा हल है ये जर्नलिज्म के खिलाफ। अपोजिशन तो मुतफिक है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फॉरेन ऑडिट होना चाहिए, और हम समझते हैं हुकूमत को अगर कोई छुपाने की नहीं है ज़रूरत तो फिर उनको हमारे TOR एक्सेप्ट करने चाहिए। पनामा लीग के इस मुतालबे पर सारी सियासी जमातें मुतफिक हैं कि सबसे पहले नवाज शरीफ और हाउस ऑफ शरीफ का एहतसाब होना चाहिए, ये इत्तफाक राय मेरे ख्याल में इस हवाले से बहुत काफ़ी है। होना पड़ेगा वरना आवाम जूते मार मार के इनको भगा देगी। पनामा लीक्स पे भी अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो क्या कोई ज़मीर है किसी का? क्यों एक आदमी सरकारी अहदे पे बैठ के बाहर ऑफशोर अकाउंट्स बनाता है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। जब आप पाकिस्तान में खाते हैं, पाकिस्तान में कमाते हैं, पाकिस्तान ने ही आपको इज़्ज़त दी है, आपको क्या तकलीफ़ है कि अपने एहसास पाकिस्तान में रखें या जो आपका प्रॉफिट है वो पाकिस्तान में रखें? मैं समझता हूँ बिल्कुल अपोजिशन की जो जमात इस पॉइंट से भागेगी